नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों सीईटी मेंस एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप 56 का, तो उसमें 41 सवाल रिपीट हुए थे। उसके ऊपर फाइनली केस हो चुका है और इसके अलावा चेयरमैन साहब पे भी केस दायर किया है। और वो क्या केस किया और अब आगे क्या होने वाला है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा HCS भर्ती पर 38 सवाल रिपीट होने पे केस था, तो वो केस डिसमिस हो गया है और उसका क्या फैसला आया है और उसका इस भर्ती पे क्या असर पड़ सकता है या नहीं पड़ेगा। यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या नई अपडेट है। तो दोस्तों एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप 56-57 की परीक्षा में 41 रिपीट्स वालों का मामला हाई कोर्ट पहुंचा और इसमें आप पढ़ सकते हैं पूरा। इसमें जो हियरिंग डेट है, अगली सुनवाई की डेट है वो 16 अगस्त है। 16 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी, बाद में पता चलेगा क्या होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, गोपाल सिंह खत्री के खिलाफ अवमानना याचिका दायर, 5 दिसंबर को सुनवाई। ये आपको पता होगा कि हाईकोर्ट में सिंगल बेंच के फैसले ने जो एग्ज़ाम लेने पर रोक लगा दी थी, उसके बाद डबल बेंच के फैसले के अनुसार 56 और 57 का एग्ज़ाम की परमिशन ले ली थी, लेकिन रिजल्ट को रद्द कर दिया तो बाकी सारे एग्ज़ाम और प्रोसेस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन HSC ने अभी भी PMT का शेड्यूल है वो जारी कर रखा है, तो इसके खिलाफ वो एडवोकेट अंकुर सिधार है, उन्होंने अवमानना का केस जारी किया है चेयरमैन साहब के खिलाफ। तो उसकी सुनवाई होनी है 5 दिसंबर को। और क्या होता है ये तो 5 दिसंबर को ही पता चलेगा। यहाँ पे आप देखोगे, एक मिनट, HPSC ने रिपीट सवालों समेत प्रीमियम का रिजल्ट निकाला, सिंगल बेंच ने रिपीट सवालों को चुनौती देने की याचिका खारिज की और हाईकोर्ट ने अपील भी खारिज की, यानी कि उनका मामला खारिज हो गया है। रिजल्ट है वो 31 सवालों को के साथ ही आएगा, मतलब एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, HSC के ग्रुप 56-57 में 41 रिपीट सवालों पर पढ़ सकता है HPSC के इस फैसले का असर। ये न्यूज़पेपर बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अपील करता है यानी कि जिन्होंने केस किया है उनसे ये बोला गया था, संख्या पूछी गई थी कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2022 वाले एग्ज़ाम में बैठे थे, यानी कि HCS में आपको पता होगा 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 38 सवाल 2023 वाले में रिपीट हुए थे। तो अपीलकर्ताओं से ये पूछा गया था कि बताओ कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2022 का भी एग्ज़ाम दिया था और 2023 का भी एग्ज़ाम दिया है, यानी कि जिसने दोनों एग्ज़ाम दिए इतने ऐसे कितने कैंडिडेट हैं। तो वो ये डाटा नहीं दे पाए कि कितने कैंडिडेट थे, लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ सबको पता है कि 27,000 कैंडिडेट रिपीट है, ये डाटा दे सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये केस इससे बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। उसमें 1 साल पहले एग्ज़ाम था, इसमें 1 दिन पहले है। उसमें सेम प्री का एग्ज़ाम था, इसमें मेंस का एग्ज़ाम है। उसके बाद मतलब HCS के बाद एग्ज़ाम होने वाला था दूसरा मेंस का, इसके एग्ज़ाम के बेस पे नौकरी मिलने वाली है। तो बहुत कुछ है इसमें, आप अपनी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं।